नमस्कार दोस्तों, सर्वरक्षक समिति में आपका फिर से स्वागत है। हम अभी पहुंचे हैं कृष्ण वाटिका, 6 नंबर मकान है, यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मेरे साथ में प्रशांत सोनी है जो कैमरे के पीछे में है। दोस्तों, यहाँ पे एक सांप को दिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने उस सांप को इस प्लास्टिक के घमेले में ढक के रखा हुआ है, ऊपर में 2 ईंटें डाल दी हैं और इसके नीचे में ही सांप बैठा हुआ है। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं इसके नीचे में कौन सा सांप है, उसके बाद उसका रेस्क्यू करते हैं। चलो, हो गया। देखिए दोस्तों, इसको रसल वाइपर बोला जाता है, पहाड़ जित्ती महामंडल। इस सांप की सबसे मेन पहचान जो होती है इसकी पुकार, सुन सकते हैं इसकी पुकार, बहुत ज्यादा तेज पुकार मारती है, यही इसकी सबसे मुख्य पहचान होती है। तो कभी भी ऐसा सांप दिखे तो इसके बिल्कुल भी करीब ना जाए। और जैसा कि दोस्तों बिना समय गंवाए हम इस सांप को इस डिब्बे के अंदर में पैक करते हैं, उसके बाद इसकी जानकारी आपको देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, रसल वाइपर, पहाड़ चित्ती महामंडल और महाराष्ट्र में घोनस बोला जाने वाला सांप यही है। इसमें हीमोटॉक्सिन जहर होता है जो इंसान और जानवर दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन यह सांप भी किसी को दौड़ा के नहीं काटता है। इसके ऊपर पैर पड़ता है या इसके एकदम करीब जाएंगे तो ही ये बाइट करता है, और इसका बाइट जो है ये जहां पे काटता है वहां पे फफोले पड़ जाते हैं और सीधा इसका जहर जो है वो नसों पे इफेक्ट करता है। तो कभी भी ऐसा सांप दिखाई दे तो बिल्कुल भी इसके करीब ना जाए। सर्वरक्षक समिति रायगढ़ को आप संपर्क कीजिए, जिससे वो लोग आके सुरक्षित उसका रेस्क्यू करेंगे और ऐसे डिब्बे में पैक करके उसको सुरक्षित स्थान में ले जाके छोड़ देंगे। आइए बाहर तरफ चलते हैं, फिर और जो भी जानकारी है मैं आपको देता हूं। लेकिन कभी क्या, तो जैसा कि दोस्तों आपने देख चुका है, इस सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करके इस डिब्बे के अंदर पैक कर लिया गया है। और इसी के साथ ही दोस्तों, हर वीडियो की तरह फिर मैं इस वीडियो में बोलता हूं कि कभी भी जहरीले जीवों का रेस्क्यू करने के लिए ना दौड़े। हमारा वीडियो देख के हर कोई सांपों को पकड़ने के लिए जा रहा है, जिसके लिए मैं विनती करता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना करें। इन सांपों को पकड़ना एक ट्रेंड व्यक्ति ही पकड़ सकता है। हम लोगों ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए हम इस काम को करते हैं। तो कभी भी बिना प्रशिक्षण के ऐसे सांपों को पकड़ने के लिए मत जाएं, इससे हादसा हो सकता है। तो दोस्तों, इस सांप का हमने रेस्क्यू किया है। मैं विकास पटेल। विकास पटेल, जैसे ही मेरी पत्नी बर्तन को घर से बाहर रखने गई तो अचानक उसको लगा कि हाँ, उसे सांप दिखा और उसने तुरंत मुझे बुलाया और मैं फिर सर्प मित्र का नंबर सेव रखा था, वो तुरंत उस नंबर पे कॉल किया 9:30 बजे और 15 मिनट में हमारे सर्प मित्र भाई हमारे घर आ कर के इस सांप का रेस्क्यू करके सुरक्षित उसको डब्बे में रख लिया गया है। और इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा इस काम के लिए। धन्यवाद भैया, आपने इस सांप की जान बचाने में हमारी भी मदद की है और आपने सर्प मित्र टीम को इस काम के लिए कॉल किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही दोस्तों, चलते हैं इस सांप को किसी सुरक्षित स्थान में रिलीज करने के लिए। वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं रसल वाइपर को रिलीज करने के लिए सुरक्षित वातावरण में। आइए इसको रिलीज करते हैं।
देखिए दोस्तों, इसी को ही रसल वाइपर बोला जाता है। रसल वाइपर पहाड़ चित्ती महामंडल, महाराष्ट्र में इसको घोनस बोला जाता है। यहाँ पे इसको सुरक्षित वातावरण में रिलीज कर दिया गया है। देख सकते हैं सुरक्षित वातावरण में रिलीज हो गया है। अब ये यहाँ पे आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों, इस सांप को सुरक्षित यहाँ पे वातावरण में छोड़ दिया गया है। अगले बार फिर आपसे मुलाकात होगी। सर्प रक्षक समिति से मैं जैनारायण खर्रा, साथ में प्रशांत सोनी।